मलेशन में आशा कार्यकर्ताओं को संविदा कर्मचारी घोषित कर वेतन बढ़ाए जाने को लेकर दिया ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दिया ज्ञापन। मंडलेश्वर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मंडलेश्वर SDM कार्यालय में दिया। ज्ञापन देने से पूर्व आशाओं ने जमकर नारेबाजी की। आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा रनसोरे ने ज्ञापन देने के बाद चर्चा में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक की नियुक्ति सन 2006 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में गांव के लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल करना है, विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर उनकी सुरक्षित डिलीवरी करवाने का जिम्मा भी आशा कार्यकर्ता पर है। आशा कार्यकर्ता और उसकी मेहनत के बदले मात्र 2,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो बहुत कम है। महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए 2,000 रुपए की राशि कम होती है, इसलिए हम सभी आशा बहनें मुख्यमंत्री जी से मांग करती हैं कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 व पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए प्रतिमाह देने के साथ हमें संविदा कर्मी घोषित किया जाए। निजी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त आशा कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों ANM और GNMA के पद पर पदोन्नति दी जाए। आशा कार्यकर्ताओं के कारण ही शिशु मृत्यु दर और महिला मृत्यु दर में कमी आई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करना पड़ती है। आशा कार्यकर्ता को किसी भी सरकारी काम में लगा दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी किसी भी विभाग का काम आशा कार्यकर्ता से करवाया जाता है। पूरे जिले में 1500 आशा कार्यकर्ता हैं। महेश्वर ब्लॉक में आशाओं की संख्या 190 है। इस अवसर पर नभू पिलोदिया, संतोष यादव, सीमा तटवारे, रिंकू सोलंकी, नर्मदा यादव, सूरमा सोलंकी सहित आशा कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। यही रखी जाती है कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 दिया जाए और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए दिए जाए और GNMA करी हुई आशा पर्यवेक्षक एवं आशाओं को पद उन्नति के लिए पद दिया जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सब बहनों को बहन बनाते हैं, भांजियां बनाते हैं, जबकि हम तो कई सालों से यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी इसमें जो हम काम कर रहे हैं उनका मानदेय मिलना चाहिए, जबकि हमको इसका मानदेय नहीं दिया जाता है। आशा पर्यवेक्षक भी 10,000 से 20,000 जनसंख्या पे काम कर रही है और हमारी आशा कार्यकर्ता भी भरी धूप में ग्रामीण में सारा स्वास्थ्य की देखभाल कर रही। मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में अभी तक कमी आई है और जो भी टीकाकरण से लेके और हमारी आशा कार्यकर्ता को तो आजकल कर्मचारियों ने ऐसा बना रखा है कि अगर पंचायत का भी सर्वे होएगा तो हमारी आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक, अगर हमारे जो भी संस्था का सर्वे होगा वो भी हमारी आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर सब बहनें आपकी बहनें हैं तो हमारे से भेदभाव क्यों? हमारी भी जो मांगे हैं इनके लिए आपको भी सोचना चाहिए। सोचना क्या, हमको तो देना ही है, आप क्यों नहीं देते? डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट मंडलेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।